किसी को मुंशी कहने से मेरा ख्याल है वो बुरा मान गया तो मैं उन्हें चपड़ासी कह देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी औकात एक चपड़ासी से भी कम है। चपड़ासी भी हलाल की रोटी कमाता है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करके हक हलाल का जाके अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी का नवाला देता है। आप जिनकी नौकरी कर रहे हो ना, और आईने पाकिस्तान का के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो आप हो, वो हम नहीं है। आपको अगर इज्जत इतनी प्यारी है ना तो इज्जत वाले काम करो। और मैं बताना चाहती हूँ, फवाद चौधरी मेरा भाई, मेरा शेर भाई, उसकी स्माइल देखी है? हम नहीं डरे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, डरने का वक्त आपका हुआ चाहता है, आपका, आपके पीछे जो तजर्बा गाह है उनका, और वो चूहा जिसको तुम लोगों ने, वो जोकर जिसको तुम लोगों ने पाकिस्तान का तमाशा लगाया हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी जिसको तुम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाया हुआ है, और एक वो जो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वो लोगों के जूठा खाने वाला, लोगों का बचा कुचा फ्रंटमैन खाने वाला, सो कॉल्ड जरदारी का ले पालक बेटा, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी औकात हमारे एक वर्कर के बराबर की भी नहीं है। वर्कर भी हमारा आलीशान है, क्योंकि वो इस मुल्क के लिए, एक कॉज के लिए, एक मकसद के लिए अपना तन मन धन लगा रहा है। तो नकवी, मैं तुम्हें ये चैलेंज करती हूँ कि तुम्हारे ये 3 महीने तो गुजर ही जाने हैं, उसके बाद तुमने जिंदगी में कभी इस ओहदे पे नहीं पहुंचना, क्योंकि तुम्हारी औकात एक काउंसलर की भी नहीं है। सो जो तुम्हें लेके आए हैं ना, जिनके तुम बगल बच्चा हो, जिनके तुम पप्पू बच्चा बन के काम कर रहे हो ना, तो एक वक्त आना है जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आना है और रूल ऑफ लॉ ने आना है, इस मुल्क को आजादी हमने दिलानी है। तो मैं फिर उस दिन आपसे पूछूंगी, मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। हम आपको इत्तला देना चाहते हैं, आपको, आपके लाने वालों को, आपके अगलों को, आपके पिछलों को, कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे। आपको डरना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, आपको हम ताबे करेंगे, आपका मुंह सर नीचा करेंगे आईने पाकिस्तान के आगे। और अगर कोई चीज बालातर होगी, मुकद्दस होगी, वो मेरे मुल्क का, मेरे वतन अजीज का आयन होगा। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, ये जेलों से किसको डराते हो? हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, और हमारे चमड़े के कारोबार भी नहीं है, हमने कोई छोटी बड़ी सर्जरी भी नहीं करानी, हम नहीं जाएंगे लाहौर छोड़ के। हमारा ये वतन है, और इस वतन की हिफाजत के लिए, इस वतन को सर बुलंद रखने के लिए, इस गयूर अवाम का सर फखर से बुलंद करने के लिए हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे मुल्क में अगर कोई आला होगा, कोई बरतर होगा, वो मेरे मुल्क का आयन होगा, और कोई कमतर होगा, नीचा होगा, चाहे जितने मर्जी बड़े ओहदे पे बैठा होगा, वो आईने पाकिस्तान के नीचे होगा। और अगर तुम्हें ये बातें बुरी लगती हैं तो जाओ, भले लगे, जाओ कराओ, हमारे ऊपर जितने मर्जी केसेस करने हैं कराओ, लेकिन उतना करना जितना बर्दाश्त कर सको। हम नहीं बैठेंगे व्हील चेयर के ऊपर, हम रोना धोना नहीं डालेंगे। वो शेर हमारा बैठा है आके, इधर 4 गोलियां लगी थी, उस दिन से जमान पार्क में बैठे हैं। कभी क्या बेपरकी उड़ाते हो, वो कोई नवाज शरीफ है, और वो कोई शहबाज शरीफ है, वो कोई जरदारी है? तुम चोर, तुम्हारी नस्लें चोर, तुम्हारे अगले चोर, तुम्हारे लाने वाले चोर। और हमारा मुंह मत खुलवाइएगा कि किस किस तरह से तुम लोग आए हो। तुम लोगों ने सियासत को धंधा बना के रख दिया है। तुम्हारी बेटी जो जो कारनामे करके गई है ना, इस वतन के एक एक सहाफी को पता है, एक एक साहिबे हैसियत नॉलेज रखने वाले को पता है कि ये पावर कॉरिडोर्स में आने के लिए आप लोग क्या कुछ करते हो। हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, और हम ऐन इसको जिहाद समझते हैं। और जब आप किसी चीज को मकसद बना लेते हैं, नस्बुल ऐन बना लेते हैं, फिर क्या डरना, क्या जिंदगी, क्या मौत। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। जितने दिन है इज्जत से गुजारेंगे, आन से गुजारेंगे, शान से गुजारेंगे। तुम भिगौड़े आज भी हमारे सीएम ऑफिस पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे कब्जा करके औकात क्या है? मैं जिसको आज बड़ी इज्जत प्यारी है ना, और जो बड़ा गैरतमंद बना है, मैं उसको चैलेंज करती हूँ, किसी मॉल में किसी जगह पे अपनी शक्ल दिखा। चपड़ासी तो छोटा लफ्ज है, देखना लोग तुम्हारे साथ सलूक क्या करते। क्यों? क्योंकि सब इन लोगों ने तो करप्शन बाद में करनी है, डाका बाद में डालना है, उनको डाका डालने का बंदोबस्त तुम कर रहे हो।
इलेक्शन कमीशन हमारा मैंडेट चोरी करने का मंसूबा बनाए और हम उफ तक ना करें। क्यों? हम करेंगे, हम बोलेंगे, हम आपको आपकी औकात भी बताएंगे, आपको आईना भी दिखाएंगे। वो दिखाना मेरे मुल्क का आयन मुझे इजाजत देता है। हम सियासत में झक मारने के लिए नहीं आए, हम टीटियां लगाने के लिए नहीं आए, हम मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए नहीं आए। लिहाजा जो जिसकी जितनी औकात है वो उतना ही पांव फैलाए और डरे उस वक्त से। आज मेरे मुल्क का ईमानदार इंसान जो भी जिस भी पेशे से वाबस्ता है उसके लिए दो वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। वो चाहे कोई कारोबारी हो, उसको कारोबार बचाना मुश्किल है। क्यों? तुम लोगों की वजह से। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हो। हम इस कब्जे से जान छुड़ाएंगे और अवाम जान छुड़ाना चाहती है। यही वजह है कि तुम कभी लैब के अंदर कभी कोई डड्डू तैयार करते हो, कभी कोई तजर्बा करते हो, सारे फेल होंगे। आके निकलो तो सही। हमें पता है आपका डरना, आपका कांपना हमें समझ आती है, वो जायज है। क्योंकि तुम लोगों को इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम वोट की जगह पे जूता मारेगी। तुम हमें कैंपेन करके दिखाना, तुम हमें हलकों में निकल के दिखाना। और इलेक्शन कमीशन में तुम्हें बताती चलूं, तुमने हमारे जिंदा पाकिस्तानियों को मुर्दा करार दिया था। और बेशर्मी और जुठाई का आलम ये किसी मुल्क में एक एक शख्स के साथ ये किया जाता, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन मुअत्तल होता। और तुमने 4 मिलियन को मुर्दा करार दे के और कह दिया कि ये टेक्निकल एरर था। आना है आईने पाकिस्तान ने, अमल दरामद होना है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है जिसको तुम बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि बनाना रिपब्लिक तो बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि बंदरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत जो कर दिया गया है। एक जो नौटंकी बात जाता है तो दूसरे को बिठाते हो। मसलन आज की ताजा खबर ये है कि फवाद चौधरी जैसा बहादुर बेटा वो जमदाई चौधरी है, वो ये नकवी से डर जाए? वो जो बैठा हुआ दो दो टके की रिश्वत लेता है ये उससे डर जाए? ये शहबाज शरीफ से हम डर जाएं? हम नहीं डरेंगे। लिहाजा अपनी औकात में रहें। और मेरी अदलिया से अपील है कि पाकिस्तान उजड़ चुका है, हमारी आंखों के सामने उजड़ रहा है। मुझे जब बांग्लादेश की मैं तारीख पढ़ती हूँ या जितनी सुना है या देखा है, हमारा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे वो वक्त याद आता है कि ऐसे ही हुआ होगा। सबकी आंखों के सामने हमारा वतन दो टुकड़ों में बट गया और यहाँ पे इन्होंने अपने अपने कारोबार, अपने अपने मफादात, अपने अपने गरूर और अना और मैं ना मानूं की रट लगा के रखी। ये इन्होंने जिद की। आज ऐसी क्या बात हो गई, आप सोशल मीडिया उठा के देखो, हर जी शोर पाकिस्तानी कम पढ़ा पढ़ा लिखा स्कॉलर मजदूर वो क्यों कह रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान एक हीरो था, उसने हकीकी आजादी दिलाई अपने बांग्लादेशियों को। आज वो इज्जत और गैरत से जीते हैं। आज उनकी कोई ऑडियो वीडियो नहीं बनती। आज उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है। और जब हमारे साथ हमेशा से ही इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई इस मुल्क के साथ, जब बांग्लादेश टूटा तो यहाँ पे सो कॉल्ड अपने पपिट्स के थ्रू, जिनको आज हम लिफाफा कहते हैं, उनको बताया गया कि आम पाकिस्तानियों को बताओ कि अच्छा हुआ दफा हो गए, हर वक्त इनका सलाब में डूबे रहते थे, गरीब से थे और कभी उनकी शक्लों के ऊपर ये बात करते थे, बेशरम बेगैरत। लिहाजा मैं ये कहना चाहती हूँ कि होश के नाखून लें, सोने की मुर्गी को जिबा मत करें। और सबसे पॉपुलर जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो 22 करोड़ अवाम आपको वहां जाके छोड़ेगी जहां पे तुमको पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। कोई फोर्स है 22 करोड़ के बराबर की? ले आना फिर। हमारा उतना ही सब्र आजमाओ जितना हम बर्दाश्त कर सकें। हमारी चादर और चार दीवारी का पहले भी तकद्दस पामाल हुआ। और इस वक्त मैं ये बताती चलूं, ये जहां पे मैं खड़ी हूं ना, ये हमारी रेड लाइन है, क्रॉस करने की हिम्मत ना करना वरना हम किसी जगह का भी लिहाज नहीं करेंगे। कोई मेरे मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं है, सिर्फ एक ही मुकद्दस चीज है, वो आईने पाकिस्तान है। और जो हम यहाँ पे खड़े हैं ना इस तरफ, हम इस मुकद्दस आईने पाकिस्तान को मुकद्दस तरीन दर्जा देते हैं और उसे वो दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे। हम आयन शिकन नहीं है, हम आयन शिकन टोले को नकेल डालने के लिए ये जुदोजहद कर रहे हैं कि हमारे जवान भाई, आज मेरा भाई फराज, मुझे बड़ा दुख है जिस तरह से इन्होंने उनको मारा, वो एक पुरमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब हमें पकड़ेंगे तो हम ये जमहूरियत के अंदर पूरी दुनिया में
फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे सियासी कारकुन जेलम में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरह से उन्हें घसीटा, जिस पुलिस ऑफिसर ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है या कर रहा है, मैं उन्हें वार्न करती हूँ, उतना करना जितना बर्दाश्त कर सको। अब हम कोई होम्योपैथिक गवर्नमेंट नहीं आएंगे, हम आएंगे तो हम आपका हिसाब चुकता करेंगे। जो जो कानून को हाथ में लेगा, हम उसको कानून की शक्ल में ऐसा जवाब देंगे कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और कोई दोबारा ये हिम्मत नहीं करेगा। और हमें ये जो हाइब्रिड रिजीम है ना, इससे स्टे अवे। पाकिस्तान ने बड़ा बर्दाश्त कर लिया है, पाकिस्तान में बिजली बंद, शर्म से डूब मरो बेशर्मो, तुम लोग बड़े तजर्बाकार का दावा बोल के आए थे, मेरा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना गंदुम है, ना रोटी है क्या तुम लोगों की ये फस्ताइयत? और ये हम बर्दाश्त करते रहेंगे? हम नहीं करेंगे। आखिर में मैं पूरी कौम को ये आगाह करना चाहती हूँ, अभी चेयरमैन साहब अपना जो भी लाया अमल देंगे उसके बाद मैं आके यहाँ से आपसे आपको आगाह करूंगी, पल पल आगाह करूंगी, फवाद भाई से बढ़ के ड्यूटी दूंगी। और फवाद भाई को बताना चाहती हूँ कि ये आपको क्या डराएंगे, हमें नहीं डरा सकते, ये आपकी बहनें, आपकी माएँ, बेटियाँ सब आपके साथ हैं, आप हीरो और ये बुजदिल बिगोड़े ये विलन है इस मुल्क के लिए। और ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तुम्हारे मुकद्दर में अजलों की जिल्लत है, तुम्हारे, मैंने पहले भी ये बोला था, वो जिस शख्स के लिए बोला था ना, जिसे बड़ा माइंड किया था, वो धक्के खाता फिर रहा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा हुआ बेहुदा मुंह लेके, जो मेरे मुल्क के आयन को अपनी लौंडी समझता था, अपने बूटों के तले कुचलता था, आज वहां पे कभी किसी इनकम टैक्स के ऑफिस में मुंह उठा के बैठा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिसने इस मुल्क का आयन तोड़ा है, लोगों ने उनकी कब्रों को भी माफ नहीं किया ना। अब ये जो तमाशा करें ना जरदारी और उसका पिल्ला, कोई नहीं माफ करेगा। और मैं आपको बताती चलूं, अगर ये तमाशा इसी तरह है तो आप हमारे बच्चों को जो जमहूरी और सियासी हक को एक्सरसाइज कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करें, तो आप उन पर तशद्दुद करो। तो अब मैं तुम्हें भी वार्न करती हूँ, तुम लोग भी अब जरा कहीं निकल के दिखाना, हम तुम्हें नहीं निकलने देंगे, तुम्हारे लिए हम सड़कें बंद करेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है। लिहाजा कानून को हाथ में उतना लें जितनी तुम्हारी औकात है, बाहर निकलो, तुम्हारी तो बीवियों ने तुम्हें वोट नहीं देने, खैर उसने तो काउंसलर भी नहीं लड़ सकता, लिहाजा तुम्हारी तो घर के बच्चे तुम्हें ओन ना करें, क्योंकि हराम के पे कमाई हुई औलादें भी आगे से मुकर जाती हैं। देख लो ना, मैं किसी की वालदा के लिए बुरे अल्फाज नहीं कहूंगी, लेकिन इन्होंने बाहर से ताबूत भेजा वालदा का और कोई वारिस साथ नहीं आया, ये होता है अंजाम। तुम तो अपनी वालदा की के ताबूत को कंधा देने नहीं आए, बिगौड़े तुम क्या करोगे इस मुल्क के? अवाम तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है, अवाम तुम्हें लानत भेज चुकी है, और वो लानत का सबूत देगी जिस दिन इस मुल्क में इलेक्शन हो गया, और वो होगा। इलेक्शन कमीशन, आपका ये रोल है, आप हमारे टैक्स के पैसों पे, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, और हमें म्याऊं मत करो। 22 करोड़ अवाम अपना हक मांग रही है, वो तुम्हें देना पड़ेगा, और हक मांगने पे तुम बुरा मानते हो तो भले मानो, वी डैम केयर। आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, वो पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी रहता है और बाहर भी जहां रहता है, मैं ये आपको खान साहब की तरफ से पैगाम दे रही हूं कि हमारी कॉल का इंतजार करें, किसी भी किस्म की ये हरकत करेंगे तो आपने हर जगह पे इमीडिएटली निकलना है, और हम इनको बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है और कानून के ताबे कैसे आया जाता है। बहुत शुक्रिया। पहला मेरा ये है कि ये होम्योपैथी पिछली जो आपकी गवर्नमेंट की बुनियादों पे आपने अपनी हुकूमत को होम्योपैथी का, दूसरा ये कि आप समझती हैं कि अगर दोनों समझियां तहलील ना होती तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता? नहीं, वो हमने ठीक किया है। आपको क्या लगता है कि हमें इन बुजदलों के ये कार्रवाइयां पता नहीं थी? लेकिन ये है कि क्या आपने मुल्क को बचाना है या मुश्किलों के रास्ते पे जाने से घबराना है? हमें ये अंदाजा था, ये जो बुजदिल होता है ना वो छुप के साजिशें करके ऐसी ही कार्रवाइयां करता है। अगर ये बहादुर हो तो मैदान में आके मुकाबला करें, क्योंकि मैदान, सियासी मैदान के अंदर, अवाम के अंदर खान साहब ने इनको चारों शाने चित करके रख दिया है, और आखिरी जो हमने इनको डोज दी है ना, ये उसका माशाल्लाह खित मिटाने के लिए ये छोटे मोटे तमाशे पटाखे लगा रहे हैं, वो बेशरम डिटाई के साथ इन्होंने जो जो कुछ किया आपको सब पता है। तो कोई बात नहीं, ये भी हिसाब हम चुकता करेंगे, हमारे पास अच्छे सरप्राइज है आपको देने के लिए। तो आपके पास क्या लाया, मतलब आप दोबारा जांच करेंगे?
लाना चाहिए 25 मई के ऊपर आप लोगों ने किया, आप लोगों ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया, आपने रिपोर्ट नहीं मशीन कागजों ने भी कहा लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब इंटरिम सेटअप आता है, एक तो इंतकामी कार्रवाइयाँ तो मुबर्रा आइन है, मुमकिन ही नहीं है कि कोई करे। इंटरिम सेटअप की क्या औकात और मजाल, वो मजाज ही नहीं है, वो तो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए आए हैं। फिर जो जो ऑफिसर्स कानून को हाथ में ले रहे, अच्छी बात है, करें, शाबाश, जितनी आप कर सकते हो ना कर लो। उसके बाद मेरा होम्योपैथिक से मुराद ये थी कि अब आयन और कानून के दायरे के मुताबिक हम कड़ा एहतसाब करेंगे, हम रिफॉर्म्स लाएंगे और शुरू होंगी पुलिस रिफॉर्म से, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लाने से, और वो हम आयने पाकिस्तान से इन सारे ये जो शुतर बेमहार है ना इनको निकेल डालेंगे इंशाल्लाह। मैडम ये बता दें कि कहता कि आयन, आप ये कहता है कि कोई भी आयनी अदारा, उसका सरबराह या कोई भी ऐसा हुकूमती मशीनरी, अगर उसके खिलाफ आप कोई भी अवामी सतह पर बयान देते हैं तो आयन और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अख्तियार है? नहीं, मैं अर्ज करती हूँ, सुन लेना जी, मुझे ये बताएं अदलिया का काम क्या है, सवाल पूछते हो, इंसाफ फराम करना, किसी को इंसाफ ना मिले तो वो क्या कहे कि भाग लग गए रहन, ठीक है। उसके बाद पुलिस का काम क्या है, गोलियां लग जाए FIR दर्ज करना है या नहीं, वो ना करे तो हम उसे क्या कहें, सर सलामत रहें। ये जमहूरियत है, इस मुल्क में कोई आयन है, बादशाहत नहीं है, बादशाहत में भी ये नहीं होता था, ये भी मैं अर्ज करूँ। लिहाजा पहले आयनी इदारे अपना आयनी रोल अदा करें, फिर हम शिकायत शिकवा करें, तो इनको माइंड करना चाहिए, अपनी औकातें जो हैं आपको भी पता है, लिखे पड़े फैसले सुना देते हैं आके, ठीक है। ये वो खिलौने वाले चाबी वाले गुड्डे हैं जिनकी डोरियां कहीं और से हिलती हैं, तो इंशाल्लाह इनको हम कानून के ताबे करेंगे, इनको होना पड़ेगा जी। मैम APJ की असेंबली आपने तहलील कर दी, पंजाब की असेंबली आपने तहलील कर दी, नेशनल असेंबली से उन्होंने आपके सारे तमाम इस्तीफे कबूल कर लिए, आप सड़कों के अलावा आपके पास कोई और हल है? हमारे पास जो हल है ना उसी से तो ये घबरा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब आज मजे से हॉस्पिटल में टेस्ट करा रहे थे, विक्ट्री बना रहे थे, ये घबराहट का शिकार है। जो हमारा देखो होता ये है कि विन विन पे कौन है और हार कौन चुका है उनके एक्शन से अंदाजा होता है। हम तो अपने पॉलिटिकल मूव देके करके कर रहे हैं, जो हमने कहा था हम वही कर रहे हैं ना, घबराहट में तो हमने कुछ भी नहीं किया ना। घबराहट में कौन है, परेशानी में कौन है, बुजदली में कौन है? अगर हमें इनका डर होता तो हम ये असेंबलियां तहलील करते। आखिरी सवाल, निजाम में अंदर ठीक करना आपका काम था, आप 4 साल हुकूमत कर रहे थे, क्या वजह इसको ठीक नहीं कर पाए यार, इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे, हम न्यूज़ गवाही देगा कि हमने सब कुछ ठीक